देखिए क्या हो रहा है कि आज के डेट में सबको रिक्वायरमेंट होता है फिल्म इंडस्ट्री में, कैसा है कि आप अच्छे कुछ सीन कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट आते हैं, स्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट होता है कि आप बॉडी बना के आइए, तो 3 महीने में बॉडी बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अब लोगों को क्या लगता है कि स्टेरॉइड लेके हम बॉडी बना लेंगे, बट मैं कहता हूँ, मेरा सजेशन ये है कि मैं भी लास्ट 10 ईयर से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने कभी स्टेरॉइड नहीं डाला है। हाँ, डाइट पे जाता हूँ मैं, डाइट करता हूँ मैं, प्रोटीन लेता हूँ मैं, मिल्क जो भी आप जो नेचुरल डाइट है, मैं तो कहता हूँ कि आप नेचुरल डाइट को फॉलो करें। स्टेरॉइड लेंगे आपकी बॉडी तो बन जाएगी, लेकिन जो उसका साइड इफेक्ट है, और काफ़ी एक्टर्स के बारे में गुजर चुके हैं, आपने देखा होगा कि अभी कुछ सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में भी कुछ आया था कि उनके कि उनको उन्होंने कुछ हाई डोज ले चुके थे ले लिए थे, तो उनके वजह से भी उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं तो कहता हूँ आप नेचुरल डाइट में रहें यार, प्लीज़ चावल रोटी दाल चिकन मटन फिश, वेजिटेरियन है तो पनीर वनीर खाएं, दूध दूध पिए, मस्त बॉडी बनाएं, बस मेरा मानना ये। बस आखिरी में ये चाहते हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग की बात हुई, ज्यादातर लोग जो आते हैं बॉडी बिल्डिंग पे बहुत फोकस करते हैं। अब शाहरुख जैसे एक्टर की नाम अगर ले लो, इतना कामयाब है, बॉडी बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं, उसका फिर भी इतने कामयाब है, तो ये बताइए। देखिए सर, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, मैं मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बॉडी की सेकंड पार्ट आता है, आप रिक्वायरमेंट है, स्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट होता है कि आपकी पर्सनालिटी इनहेल करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले आप इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि मुझे एक्टिंग करना है और एक्टर बनना है, और एक्टर का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। हम जो है ये नहीं मानते कि हम हीरो ही बन के आए, आप कोई भी कैरेक्टर करते हैं, आप उस पर अपना छाप छोड़ देते हैं, आप हीरो बन जाते हैं उसी दिन उसी रात। तो एक फ्राइडे आपको डिसाइड कर देता है कि आप पब्लिक के दिल में कितना जगह बना सकते हैं। और अभी तो बहुत ईजी हो चुका है सर, आप तो समझ सकते हैं कि OTT जब से आ गया है तब से तो हमारे लिए काम बहुत बढ़ चुका है, हम तो बहुत काम कर रहे हैं बस। और मैं उम्मीद करता हूँ शिशुपाल से कि ये भी फोकस रहे अपने काम पे, ना कि किसी और चीज़ों में भटके। और मैं यहाँ पे इनके लिए एक मुंबई शहर में एक गाइडेंस भी हूँ और बड़ा छोटा भाई है, तो मैं चाहूँगा कि अच्छा काम करें, क्योंकि मैं जहाँ से उम्मीद लेके आया हूँ, मित्र भी हैं, बस तो मैं भी ध्यान रखूँगी। हाँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, यही ख़त्म करते हैं इंटरव्यू और इन्जॉय करते हैं, आज इन्जॉय का डे है, तो शिशुपाल के नाम से एक बार ही हिप हिप हुर्रे और हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच।